वेलकम चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू चैप्टर 14 ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 2। चैप्टर नेम द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, तीन प्रकार के काल होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो अभी हो रहा है, पास्ट टेंस में जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस में आने वाले को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के भी काइंड्स है, फोर फोर काइंड्स, पास्ट के और फ्यूचर के। यहाँ फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, माई मतलब कि जो अभी जो वर्तमान अभी समय में होता है। ओके, माई ग्रैंड फादर रीड्स न्यूज पेपर एवरी डे। मेरे ग्रैंड फादर न्यूज पेपर डेली एवरी डे पढ़ते हैं। आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क इन ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में एक ग्लास मिल्क लेती हूँ। हितेश एंड अन्ना प्ले टेबल टेनिस। हितेश और अन्ना टेबल टेनिस खेलता है। माई फादर वर्क इन ऑफिस। में पापा वर्क ऑफिस में वर्क करते हैं। आई कंप्लीट माई होमवर्क इन द स्टडी रूम। मैं अपने होमवर्क को स्टडी रूम में कंप्लीट करता हूँ। सी लव्स हर डॉल वेरी मच। वो बहुत अपने डॉल से प्यार करती है। ओके, द वर्ड्स इन कलर आर एक्शन वर्ड। इस सेंटेंस में जो कलर वर्ड है उसको हम लोग एक्शन वर्ड भी कहते हैं। दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इन द प्रेजेंट टाइम। इसमें बता रहा है हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में क्या सब्जेक्ट है, क्या हो रहा है। दिस एक्शन वर्ड्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही एक्शन वर्ड को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दिस वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। इस वर्ड्स को हम लोग वर्ब भी कहते हैं। ऑल वर्ब्स इन द सेंटेंस आर देयर बेस फॉर्म। सब जो वर्ब है ये सेंटेंस फॉर्म में है, वो क्या है, उनका बेस फॉर्म है। उसी वर्ब से सेंटेंस बनता है, बेस फॉर्म। वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट। हम लोग बेस फॉर्म में यूज़ कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद सिंगुलर एंड प्लुरल वर्ड। हम लोग बेस फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, वर्ब के सिंगुलर और प्लुरल वर्ड के साथ। बट यूज दिस फॉर्म इन डिफरेंट वे। लेकिन हम लोग इसको अलग अलग वे में यूज करते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। एरियल सिंग्स इन पार्टीज। एरियल जो है पार्टी में गाती है। यहाँ क्या लगा है, नेम है, और ये वर्ब के साथ एस लगा। ओके, दे सिंग इन पार्टीज। यहाँ से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, ओनली एस नहीं लगा, सिर्फ वर्ब फॉर्म सिंगल लगा। वी डू नॉट एड एस टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस कहते हैं, फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वही बोला जा रहा है कि हम लोग एस यूज उस बेस फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ यूज नहीं करते हैं। आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, उसके साथ हम लोग एस यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ दे है तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब फॉर्म पे एस यूज नहीं किए। इन क्वेश्चन वी यूज ऑनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन में हम लोग बेस फॉर्म का, वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। देयर इज नो नीड टू एड एस इन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें बेस फॉर्म में एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। लुक एट दिस एग्जाम्पल। डज जॉन वॉन्ट टू प्ले। क्या जॉन खेलना चाहता है। डू दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। क्या वे लोग टीचर का रिस्पेक्ट, तो क्या वे लोग टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें जो वर्ब फॉर्म है इसके साथ ऐड करना जरूरी नहीं है, नहीं होता ऐड। ओके, ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्सरसाइज में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग एप्रोप्राइट वर्ब फॉर्म। बोला जा रहा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके वर्ब फॉर्म का फिलअप करना है। माई मदर डैश म्यूजिक। टीच होगा या टीचेस, म्यूजिक पढ़ाती है, टीचेस। ही के साथ वर्क डैश एट ए बैंक। वह बैंक में काम करता है।
इसी तरह यहाँ वर्ब फॉर्म का हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने फिलअप किया है, यहाँ भी मैंने फिलअप किया है। नंबर बी, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द ब्रैकेट। यहाँ जो ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, इसका हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब को फिलअप करना, तो मैंने यहाँ भी कर दिया फिलअप, मैंने यहाँ भी फिलअप कर दिया, ये आप लोग को फिलअप करना है। ओके, थैंक्स।